वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज फिर मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी ढेर। अनंतनाग के खुलचोहर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की मिली थी खुफिया जानकारी। सुरक्षा बलों की घेराबंदी पर आतंकियों ने शुरू की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की। सेना और पुलिस ने साझा कार्रवाई की। खुलचोहर में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकियों की अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त। जून महीने में जम्मू कश्मीर में अब तक 38 आतंकी ढेर। इस साल मारे गए हैं कुल 116 आतंकी। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग। डीजल के दामों में प्रति लीटर 13 पैसे का इजाफा। दिल्ली में डीजल अब 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 5 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल अब 80 रुपए 43 पैसे। पिछले 23 दिन में डीजल की कीमत में 11 रुपए 23 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे की बढ़ोतरी। आसनसोल में टीएमसी का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की महंगाई के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस हमलावर, आज फिर करेगी प्रदर्शन। देश में 5,29,000 के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 20,000 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 410 लोगों की मौत। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,493 नए मामले। कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार। अब तक 7,429 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,500 के पार। अब तक 4,371 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज्यादा। 10% मरीज कोरोना से हारे जंग। दिल्ली में रफ्तार में बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 2,889 नए मामले। 65 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 83,000 के पार। अब तक 2,623 मरीजों की मौत। अमित शाह ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को किया खारिज। लोगों में डर के लिए मनीष सिसोदिया के बयान को बताया जिम्मेदार। जिन्हें बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे। ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है भारत की स्थिति। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमारी जिंदगी के साथ ही चलेगा कोरोना। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 421 पहुंची। साउथ वेस्ट दिल्ली में सबसे अधिक 80 कंटेनमेंट जोन। राजस्थान में 24 घंटे में 327 नए मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार। राजस्थान में 1 जुलाई से ग्रामीण इलाकों में खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। देश के 8 राज्यों में कोरोना के 85% मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। पीएम मोदी ने लोगों को ज्यादा सावधान रहने की नसीहत दी। का फेस कवर और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। कोरोना का खतरा कुछ कम होने पर राजस्थान का फैसला। ग्रामीण इलाकों में आज से सुरक्षा उपायों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। मुंबई के कोरोना के मद्देनजर पुलिस सख्त। बिना वजह सड़क पर उतरे लोगों पर एक्शन। 7,000 वाहन जब्त। कोरोना संकट में वॉशिंगटन में सिख समुदाय ने की मदद की पहल। 2100 परिवारों को बांटा खाना। दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर लोग सतर्क। मास्क लगाकर पार्क में घूमते दिखाई दिए। अंधेरी में आज सुबह की बारिश के बाद खासी दिक्कत। अंधेरी सबवे के पास थोड़ी देर के लिए पानी का जमा। 14 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव। IIT के पूर्व छात्रों ने बनाया कोरोना कवच। गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों और कुछ झुग्गी बस्तियों में बांटा गया। असम में एक दिन में 327 नए मामले। कुल आंकड़ा 7,492 पहुंचा। गुवाहाटी में 14 दिन का लगाया गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान कानपुर की मेयर कमला पांडे ने सफाई अभियान के साथ गंदगी फैलाने वाले 800 सुअरों को पकड़वाया। नीलामी से नगर निगम को मिले 14 लाख रुपए। झालावाड़ में 10 दिवसीय कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम। आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने जगह जगह रंगोली बनाकर चलाया जागरूकता अभियान। महाराष्ट्र के कोला सेंट्रल जेल में 50 कैदियों में कोरोना संक्रमण से हड़कंप। 68 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में तिहाड़ समेत 3 जेलों में 45 कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल के 19 कर्मचारियों में कोरोना का संक्रमण। भीलवाड़ा में शादी में 50 से ज्यादा लोगों को न्योता देना पड़ा भारी। 6 लाख का जुर्माना। 15 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोयम्बटोर में एक इंजीनियर ने स्मार्ट रोबोट डिजाइन किया जो बिना किसी ह्यूमन टच के कोरोना जांच के लिए स्वैब कलेक्ट करेगा। कोयम्बटोर में टेक्सटाइल कारोबारी ने दोबारा इस्तेमाल वाली पीपी किट बनाई। इसे 10 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर खाए सवाल। कहा, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे।
राजस्थान में एक बार फिर महाराणा प्रताप पर कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी जंग। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का आरोप लगाया। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर इतिहास की पुस्तकों में तोड़ मरोड़ कर तथ्य पेश करने का लगाया आरोप। कहा जनता से माफी मांगे कांग्रेस। पटना में जनसंवाद रैली में बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव का दावा, नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कोई नहीं हरा सकता। आरा में शहीद चंदन कुमार के परिजनों से मिले तेजस्वी, परिजनों को सौंपा 2 लाख का चेक। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने चीन को दी चेतावनी, कहा हम दोस्ती निभाना चाहते हैं तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानते हैं। रविवार को मन की बात में चीन को प्रधानमंत्री मोदी की 2 टूक, कहा देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मिलेगा करारा जवाब। चीन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर लगाए ओछी राजनीति करने के आरोप, कहा सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ सकती है। कांग्रेस को अमित शाह की नसीहत, बोले ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन खुश हो। अमित शाह ने चीन को लेकर कांग्रेस को दी चुनौती, बोले चर्चा के लिए है तैयार, संसद में हो जाए 2-2 हाथ। अमित शाह के बाद फिर कांग्रेस का पलटवार, कहा चीन और महामारी से लड़ने की बजाय विपक्ष से लड़ाई में बिजी है सरकार। मन की बात से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा कब करेंगे देश की सुरक्षा की बात। चीन से चंदे के आरोप को लेकर कांग्रेस का पलटवार, अभिषेक मनु सिंह भी बोले पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का दिया दान। शरद पवार पर कांग्रेस का बचकाना जवाब, सुप्रिया श्रीनेत बोली मुमकिन है एनसीपी अध्यक्ष को ना हो मौजूदा हालात की जानकारी। पटना में कैंसिल हुआ गांधी सेतु नंबर 2 का ठेका, चीन की कंपनी के पार्टनर होने की वजह से सरकार ने लिया फैसला। अयोध्या में सावन महीने में हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन, ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा न्योता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या का दौरा, राम मंदिर निर्माण के कामों का लिया जायजा। पीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन, राम मंदिर परिसर को लेकर अधिकारियों से बातचीत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र गोपाल दास मिले सीएम योगी से, राम मंदिर को लेकर हुई मंत्रणा। यूपी के सीएम ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की पूजा पाठ। आसनसोल में टीएमसी का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्वी बर्दवान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, थाने के सामने जमकर मारपीट। आगर मालवा में पूर्व बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय की जुबान फिसली, बोले 3,500 किलोमीटर की सीमा नेहरू जी के कारण सुरक्षित हुई, जबकि बोलना चाहते थे नेहरू के कारण असुरक्षित हुई सीमा। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आरा में सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन पहुंचे, सीमा पर शहीद जवानों को किया नमन। नाना पाटेकर ने सीआरपीएफ कैंप में किया वृक्षारोपण, जवानों से बातचीत। सुकमा में मंदिर तोड़ने से नाराज हुआ हिंदू संगठन, गांव वालों के साथ विरोध प्रदर्शन। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज, बहू रेखा मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का लगाया आरोप। इंदौर में हनी ट्रैप कांड का मुख्य आरोपी जीतू सोनी गुजरात से गिरफ्तार, पुलिस को 50 से ज्यादा मामलों में थी तलाश, अदालत ने 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। जोधपुर में हनी ट्रैप में फंसाकर एक शख्स की जमीन हड़पने का मामला आया सामने, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु सरकार ने जयराज और बेनिक्स केस की जांच सीबीआई को सौंपी, पुलिस कस्टडी में हुई थी पिता पुत्र की मौत। मध्य प्रदेश के मंडला में एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पार्लर चलाने और टिकटॉक वीडियो बनाने वाली लड़की की हत्या, दोस्त पर हत्या का शक, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, जंगल में सल्फास खाकर खत्म की जिंदगी। देवास में बालू माफिया ने पुलिस दल पर किया हमला, जांच के लिए गई पुलिस, पार्टी का एक कांस्टेबल घायल। पुरुलिया में मर गई मां की ममता, 2 महीने की बच्ची को अस्पताल में छोड़कर गायब हो गई मां। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जोमैटो के 150 कर्मचारियों ने छोड़ी कंपनी का साथ, चीनी निवेश का हवाला देकर जलाई जर्सी। ईस्ट मिदनापुर बीजेपी नेता पवित्रा दास को लगी गोली, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने का आरोप। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने खुदकुशी की, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जोधपुर के मेट क्लब रोड में सेक्स ट्रैकर का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बाइक, बारात से लौट रहे 3 युवकों की मौत। मुरादाबाद में हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे कैंटर ने मारी टक्कर, सिपाही और उसके 9 साल के बेटे की मौत। असम में बाढ़ का कहर जारी, 23 जिलों के करीब 9.25 लाख लोगों पर पड़ा असर, अब तक 20 की गई जान। मधुबनी में लगातार बढ़ रहा है कोसी नदी का जलस्तर, नदी की तेज धारा में बहा पुल, कई गांव में यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, कई कॉलोनियों में घुसा पानी, तालाब बन गई सड़कें। बिहार के बख्तियारपुर मोकामा हाईवे की हालत बनी जानलेवा,
आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोककर सरकार को दिखाया आईना। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, दो मजदूरों की मौत, तीन की बची जान, चार घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। तीरंदाज दीपिका कुमारी की शादी की रस्में शुरू, कल लेंगी साथ फेरे, भारत के जाने माने आर्चर अतानु दास से हो रही शादी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी के अतिरिक्त प्रभार, एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने की वजह से मिली जिम्मेदारी। वाराणसी और चंदौली में आईएसआई एजेंट के घर पर एनआईए ने मारा छापा, मोहम्मद राशिद दो बार जा चुका है पाकिस्तान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तीन कथित आतंकियों को पकड़ा, आरएसएस बजरंग दल समेत कई वीआईपी थे निशाने पर। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े का बाइक फ्रेम देखने को मिला, हार्ले डेविडसन में बैठे हुए तस्वीरें आई सामने। पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए 30 जून तक घर बैठकर ले सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, तीन दिनों में मिलेगा पैसा। कोरोना महामारी को देखते हुए येस बैंक ने शुरू की खास सुविधा, ग्राहक घर बैठे खोल सकते हैं डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। दुनिया भर के रिटेल स्टोर बंद करेगी माइक्रोसॉफ्ट, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा कंपनी का पूरा फोकस। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप, कहा हिंदुस्तान को खटक रही है चीन के साथ नजदीकियां। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शानदार आतिशबाजी, एंड ऑफ स्कूल ईयर के मौके पर रोशन हुआ आसमान। दुनिया में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना, 1,10,00,000 तक पहुंचा आंकड़ा, अब तक 5,00,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 26,00,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 1,28,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में सुपर स्पीड से बढ़ रहा है कोरोना, 13,16,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा, अब तक 57,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस, 6,34,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। WHO ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया योजनाओं का ऐलान, 2021 के अंत तक दी जाएगी 2 बिलियन खुराक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।